हेलो, कक्षा 11 के साहित्यिक और सामान्य बच्चों को मेरा प्यार भरा राधे जी। बेटा, उस दिन हमने आपको कबीर दास जी का जो पहला चैप्टर था उसका हमने 7 दोहा पढ़ाया था। आशा करते हैं कि आप लोगों को वो दोहे अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज अब उन्हीं दोहों के आगे, 7 के आगे हम चलते हैं। आठवां दोहा है आपका, केशव कही कही कू किए ना सोइए असरार, रात दिवस कहे कूकड़े कबहू लगे पुकार। केशव माने ईश्वर, और भगवान के लिए कूकिए माने बोलना या नाम लेना, स्मरण करना। असरार माने आलस्य, रात दिवस माने रात दिन, अकूकणय माने पुकारने से। यहाँ पर कबीरदास जी ने अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को भगवान का स्मरण करने पर बल दिया है। उनका विचार है कि अगर हम लगातार ईश्वर का नाम लेंगे तो कभी ना कभी हमें ईश्वर की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। इसीलिए वो कहते हैं केशो कही कही कूकिए। कबीरदास जी जीवों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्राणियों, हर समय ईश्वर का नाम ले ले करके उसे पुकारते रहिए। केशव कही कही कूकिए, कूकिए माने नाम लेना, केशव माने ईश्वर। तो जीवों के लिए कहते हैं कि हे प्राणियों, हर समय रात हर समय ईश्वर का नाम ले करके उसे पुकारते रहिए। ना सोइए असरार, असरार माने आलस्य, तुम आलस्य में पढ़ करके सो मत। अर्थात यहाँ सोने का मतलब अज्ञान निद्रा से है, अज्ञानता से है। इसीलिए वो कह रहे हैं ना सोइए असरार, तुम आलस्य में मत पढ़ो, अर्थात अज्ञान निद्रा का परित्याग कर दो। रात दिवस कहे कूकड़े कबहू लगे पुकार। वो कहते हैं रात दिवस कहे कूकड़े, रात दिन लगातार ईश्वर का नाम लेते रहने से कबहू लगे पुकार, कभी न कभी तो आपकी पुकार ईश्वर तक अवश्य पहुंच जाएगी। और काव्यगत सौंदर्य तो वही है, भाषा सदुख कड़ी है, पंचमेल खिचड़ी है। अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश एवं अनुप्रास होगा, रस शांत गुण प्रसाद और छंद दोहा है। ये साखी में सारे छंद दोहे के हैं। अब उसी के आगे चलिए, नौवा है, लंबा मार्ग दूरी घर विकट पंथ बहुमार, कहु संतों क्यों पाइये दुर्लभ हरि दीदार। यहाँ पर कबीरदास जी ये बताना चाहते हैं कि भगवान की प्राप्ति के मार्ग में अनेक कठिनाइयाँ आती हैं। उन कठिनाइयों का वर्णन करते हुए कहते हैं लंबा मार्ग, मार्ग माने मार्ग। ईश्वर को जो प्राप्ति का मार्ग है वो बहुत लंबा है। दूरी घर, मार्ग का मतलब किस मार्ग से है, साधना मार्ग से है, भक्ति मार्ग से है, तो लंबा मार्ग। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग अर्थात जो साधना का पथ है वो बहुत लंबा है। दूरी घर, और जहाँ पहुँचना है वो ईश्वर का घर भी बहुत दूर है, परमात्मा का घर भी बहुत दूर है। विकट पंथ, विकट पंथ, पंथ माने रास्ते, बहुमार, मार माने लुटेरे, बहुमाने अनेक। और फिर इस मार्ग पर बहुत से लुटेरे, लुटेरे का तात्पर्य सांसारिक वासनाओं, काम क्रोध लोभ मोह से है। तो ये जो रास्ता है बहुत, ये विकट पंथ, ये रास्ता कठिनाइयों से भरा हुआ है, बहुमार, और इस मार्ग पर बहुत से लुटेरे हैं, अर्थात सांसारिक वासनाएं, काम क्रोध लोभ मोह, ये आपके मार्ग को रोकने के लिए खड़ी हैं, ये लुटेरे हैं। कहो संतों क्यों पाइए
दुर्लभ हरि दीदार। हरि माने ईश्वर और दुर्लभ माने कठिन और संत माने सज्जन। तो ऐसी स्थिति में कबीर दास जी कहते हैं, हे संतो अब आप ही बताइए कि भगवान के दुर्लभ दर्शन कैसे प्राप्त हो सकते हैं। फिर से देखिए एक बार, लंबा मार्ग दूरी घर विकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हर दीदार। कबीर दास जी कहते हैं लंबा मार्ग, भगवान को प्राप्त करने का मार्ग अर्थात साधना का जो मार्ग है बहुत लंबा है, दूरी घर और जिस जगह में पहुंचना है अर्थात परमात्मा का जो घर हमें प्राप्त करना है वो घर भी बहुत दूर है। विकट पंथ, ये मार्ग केवल लंबा ही नहीं बल्कि कठिनाइयों से भरा हुआ है। बहु मार, और इस मार्ग पर बहुत से लुटेरे अर्थात सांसारिक वासनाएं, काम क्रोध लोभ मोह जो है वो हमारे रास्ते को रोकती रहती हैं। कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हर दीदार। तो कबीर दास जी कहते हैं, हे संतो अब आप ही बताइए कि भगवान के दुर्लभ दर्शन कैसे प्राप्त हो सकते हैं। यहाँ पर अलंकार में रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है और सारी चीज़ें वही हैं। आ गया समझ में बेटा? उसी के आगे दसवां, यह तन जालों मसि करों लिखो राम का नाम, लेखड़ी करूं करंक की लिख लिखी राम ही पठाओ। यहाँ पर इस दोहे में कबीर दास जी ने ये बताया है कि जीवात्मा रूपी जो बिरहणी है वो अपना सब कुछ त्याग करके परमात्मा को प्राप्त करना चाहती है, अर्थात जीवात्मा का मिलन परमात्मा से हो जाए यही मोक्ष का मार्ग होता है। तो यहाँ पर विरहणी जीवात्मा, जीवात्मा अर्थात हमारे अंदर जो बसने वाली आत्मा है ये जीवात्मा है और ये ईश्वर से मिलने के लिए व्याकुल है, वो अपना सब कुछ न्यौछावर करके ईश्वर से मिलना चाहती है, ईश्वर से अपना मिलन चाहती है और इसीलिए प्रेम का संदेश वो भेजने के लिए व्याकुल, अर्थात ईश्वर के पास अपना प्रेम का संदेश भेजने के लिए व्याकुल है। और वो कहती है, यह तन जालो मसि करो, मसि माने स्याही। ले कबीर दास जी कहते हैं कि विरहणी जीवात्मा कहती है कि मैं अपने इस शरीर को जला करके उसकी स्याही बनाऊंगी। जलाने का मतलब आग में जलाना नहीं, साधना में स्वयं को जला लेना, साधना मार्ग पर चलते हुए अपने को जलाने का मतलब है अपनी अज्ञानता को दूर करना। जैसे जैसे हम साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते कठिनाइयाँ आती जाती हैं, उन कठिनाइयों उन बाधाओं को पार करना ही कहा जाता है जलाना। तो यह तन जालो मस करो, परमात्मा के विरह में व्याकुल जीवात्मा कहती है कि हे मैं अपने इस शरीर को जला करके उसकी स्याही बनाऊंगी और लेखनी करूं करंक की, लेखनी माने लेखनी पेन कलम जिसको आप कहते हैं, करंक माने हड्डी, और इसके पश्चात अपनी हड्डियों की लेखनी बना करके उस स्याही से लिखो राम का नाम, नाम माने नाम, उस स्याही से राम का नाम लिख लिख करके लिखी लिखी राम पठाऊं, अपने राम के पास उसे भेजती रहूंगी। यहाँ पर राम का मतलब परमात्मा से है, ये अयोध्या के राम दशरथ के पुत्र नहीं है, क्योंकि कबीर दास जी निराकार ब्रह्म के उपासक थे। तो यहाँ पर आप लोग ये भूल मत करिएगा, ये दशरथ के पुत्र राम नहीं है, यहाँ राम का मतलब ईश्वर से है। तो फिर से देखिए, यह तन जालो मसि करो लिखो राम का नाम, लेखड़ी करूं करंक की लिख लिख राम पठाओ। कबीर दास जी कहते हैं, कबीर दास जी की परमात्मा के विरह में व्याकुल जीवात्मा कहती है कि मैं अपने इस शरीर को जला करके उसकी स्याही बनाऊंगी, लेखड़ी करूं करंक की, और उसके बाद अपने
शरीर की हड्डियों से लेखनी बना करके लिख लिख राम को नाउ लिख लिख राम पठाऊ। उस स्याही से राम का नाम लिख लिख करके अपने प्रियतम राम के पास अपना संदेश बार बार भेजूंगी, शायद मेरी इस विरहणी दशा को देख करके उन्हें मेरी पीड़ा का एहसास हो जाए, उन्हें मेरी पीड़ा समझ में आ जाए और इस प्रकार मेरी जीवात्मा का मिलन परमात्मा से हो जाए। पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास अलंकार है यहाँ पर और सारी चीज़ें वही हैं। चलिए उसके आगे, कै बिरहनी को मीच दे कै आपा दिखलाई, आठ पहर का दाक्षणा मौ पै सहे या न जाए। विरहणी का मतलब यह जीवात्मा रूपी विरहणी से है। मीच माने मृत्यु, आपा माने अपना स्वरूप या आत परमात्मा का स्वरूप, दाक्षणा माने जलना, आठ पहर माने दिन रात। यहाँ पर विरह, यहाँ पर कबीर दास जी ने अपनी विरहणी जीवात्मा का बड़ा मार्मिक वर्णन किया है। वो ईश्वर से प्रार्थना करते हुए, परमात्मा से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, कै माने अथवा, कै बिरहनी को मीच दे। कबीरदास जी कहते हैं, हे परमात्मा रूपी प्रियतम, या तो आप इस आत्मा रूपी विरहणी को मृत्यु प्रदान कर दो। कै बिरहनी को मीच, मीच माने मृत्यु। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं परमात्मा से कि हे परमात्मा रूपी प्रियतम, या तो आप इस विरहणी जीवात्मा को मृत्यु प्रदान कर दीजिए। कै आपा दिखलाए, कै माने अथवा, अथवा अपना स्वरूप दिखा दो। कै आपा दिखलाए, या तो आप अपना विराट स्वरूप मुझे दिखा दो। आठ पहर का दाक्षणा मोपई सहिया न जाए, क्योंकि अब आठ पहर या दिन रात आपके विरह में जलना अब मुझ आत्मा रूपी विरहणी से सहा नहीं जाता है। तो कै बिरहनी को मीच दे कै आपा दिखलाए। कबीरदास जी कहते हैं, हे परमात्मा रूपी प्रियतम, या तो आप इस विरहणी जीवात्मा को मृत्यु प्रदान कर दीजिए अथवा अपना स्वरूप दिखा दीजिए। और आठ पहर का दाक्षणा मोपे सहिया न जाए, क्योंकि अब दिन रात आपके विरह में जलना अब मुझसे सहन नहीं होता है। अनुप्रास और लोकोक्ति अलंकार है और सारी चीज़ें वही हैं। चलो उसे के आगे बारवा, कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाई, नैनु रमैया रमी रहया दूजा कहाँ समाई। सिंदूर माने सिंदूर, जो हिंदू स्त्रियाँ अपने मांग में लगाती हैं वो सिंदूर, और रमैया का मतलब ईश्वर। नैनु रमैया, रमी माने बस जाना, दूजा माने दूसरा, और काजल जो आप लोग अपने आँखों में लगाते हैं वो काजल है। तो कबीर रेख सिंदूर की, यहाँ पर कबीर दास जी ने ये कबीर दास जी ये बताना चाहते हैं इस पद्यांश में, इस दोहे में, कि सभी जगह जीवात्मा को प्रियतम और परमात्मा को, यहाँ पर कबीरदास जी बताना चाहते हैं कि उनकी जीवात्मा प्रियतमा है, वो ईश्वर को प्रियतम मानते हैं, ईश्वर को वो प्रियतम मानते हैं और अपनी जीवात्मा को प्रियतमा मानते हैं। तो यहाँ पर आत्मा और परमात्मा के अनन्य प्रेम की अभिव्यक्ति की गई है कि आत्मा और परमात्मा में, उनकी आत्मा और परमात्मा का जो प्रेम है वो अनन्य है, अनंत है। उसी प्रेम का वर्णन करते हुए वो कहते हैं, कबीर रेख सिंदूर। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार सौभाग्यवती स्त्रियां
अपने सौभाग्य के सूचक सिंदूर का प्रयोग अपनी मांग में करती हैं, उसकी रेखा लगाती हैं। काजल दिया ना जाए और वहाँ पर वो अपने सौभाग्य को प्रदर्शित करने के लिए काजल का प्रयोग नहीं करती है। कबीर रेख सिंदूर की, कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने भी सौभाग्यवती स्त्रियों की तरह अपनी मांग में सिंदूर की रेखा को लगा लिया है, क्योंकि लाल रंग प्रेम का प्रतीक होता है जो मेरे सौभाग्य का सूचक भी है। और अर्थात कहने का मतलब है कि मैंने आपके प्रेम को स्वीकार कर लिया है और अब उसकी जगह मैं काजल का प्रयोग नहीं करूँगा। काजल काले रंग का होता है और यहाँ काले का तात्पर्य है सांसारिक वासनाएं, काम क्रोध लोभ मोह घृणा द्वेष, ये सारी चीज़ें सांसारिक वासनाएं हैं। तो अब मेरे लिए वहाँ पर काजल लगाना अर्थात सांसारिक वासनाओं को अपनाना संभव नहीं है। कबीर रेख सिंदूर की, कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने भी सौभाग्यवती स्त्रियों की भांति अपने मांग में लाल रंग का सिंदूर लगा लिया है, क्योंकि लाल रंग प्रेम का प्रतीक होता है और सौभाग्य का सूचक भी है। अर्थात मैंने आपके ईश्वर के प्रेम को स्वीकार कर लिया है और अब उसकी जगह पर मैं काजल नहीं लगाऊंगा, अर्थात सांसारिक वासनाओं को फिर से नहीं अपनाऊंगा। नैनु रमैया रमि रहया तू जा सका समाई। ठीक उसी प्रकार से नैनु माने नेत्र, जब नेत्रों में ईश्वर बस जाते हैं तो फिर उन नेत्रों में किसी और दूसरी चीज़ों के लिए स्थान शेष बचता ही नहीं। अर्थात जब मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब उसके लिए अज्ञानता का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। अर्थात जब उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो सांसारिक वासनाओं के लिए अब उसके लिए कोई जगह नहीं होती है। आया समझ में? कितना बढ़िया उदाहरण था। यहाँ पर भी अन्योक्ति का अनुप्रास और रूपक अलंकार है। चलिए उसी के आगे, सायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद भी नाही, कबीर मोती नीप जय सुन्नि शिशर गढ़। सायर माने सागर, सीप जो समुद्र में सीप होती है वो, स्वाति बूंद स्वाति नक्षत्र में जो पानी बरसता है उसकी बूंद, नीपजय माने उत्पन्न होना, और सुन्नि, सुन्नि शिशर का मतलब है सुषुम्ना नाड़ी में स्थित ब्रह्मरंध्र। सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर स्थित ब्रह्मरंध्र एक स्थान होता है, और गढ़ माने शरीर रूपी किला। कबीरदास जी कहते हैं सायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद भी नाही। ऐसा कहावत है कि स्वाति नक्षत्र में जो पानी बरसता है अगर उसकी एक बूंद भी, यानी स्वाति नक्षत्र की जो वर्षा होती है उस वर्षा की अगर एक बूंद समुद्र में पड़ी हुई खुली सीपी में पड़ जाए और फिर वो सीप बंद हो जाए तो ऐसा कहा जाता है कि वो बूंद सच्ची मोती बन जाता है। ये कहावत है, ऐसा कहा जाता है। तो लेकिन कबीरदास जी कहते हैं सायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद भी नाही, कबीर मोती नीप जय सुन्नि शिशर गढ़। गढ़ माने शरीर रूपी किला। कबीरदास जी कहते हैं कि इस शरीर रूपी किले में सुन्नि शिशिर सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर स्थित ब्रह्मरंध्र, ब्रह्मरंध्र वो स्थान है सायर नाही, जहाँ ना तो सागर है
सीप बिन ना तो वहाँ सीप है, स्वाति बूंद भी नहीं, और ना ही वहाँ पर स्वाति नक्षत्र की बूंद है। कबीर मोती नीप जय, फिर भी वहाँ पर मोक्ष रूपी मोती उत्पन्न होता है। सच्ची मोती पाने के लिए सागर भी हो, सीप भी हो, स्वाति नक्षत्र की वर्षा भी हो, तब तो सच्ची मोती बनेगा। लेकिन इस शरीर में ऐसा कुछ भी नहीं है, अर्थात मनुष्य अगर चाहे तो वो भक्ति मार्ग पर चल करके, साधना के मार्ग पर चल करके मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो इसीलिए वो कहते हैं, सायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद भी नाही, कबीर मोती नीप जय शून्य शिशिर गण माही गढ़। कबीर दास जी कहते हैं कि शरीर रूपी किले में सुन्नी सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर स्थित ब्रह्मरंध्र वो स्थान है, सायर नाही, जहाँ ना तो सागर है सीप बिन, ना ही वहाँ सीप है स्वाति बूंद भी नाही, और ना ही वहाँ पर स्वाति नक्षत्र की बूंद है। कबीर मोती नीप जय, फिर भी वहाँ पर मोक्ष रूपी मोती उत्पन्न हो रहा है। यहाँ पर आपका रूप का अतिशयोक्ति और अनुप्रास अलंकार है। चलिए आगे, पाणी ही तय हिम भया, हिम हुए गया बिलाई, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। यहाँ पर कबीर दास जी इस दोहे में ये बताना चाहते हैं कि संसार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय को उन्होंने एक मत से या एक रूप में स्वीकार किया है, या ये कह सकते हैं कि उन्होंने जीवात्मा और परमात्मा को एक माना है। इसीलिए वो कहते हैं पाणी, उदाहरण देते हुए, पाणी हीते हिम भया, पाणी माने पानी, हिम माने बर्फ, पानी ही जम करके क्या बन जाता है, हिम माने बर्फ, हिम होए गया बिलाई, हिम माने बर्फ, और फिर वो बर्फ गल करके क्या बन जाता है, पानी बन जाता है। जो कुछ था सोई भया, जो पहले था फिर वही हो जाता है, अब कुछ कहाँ न जाए। इसलिए इसके विषय में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। पाणी ही तय हिम भया, पाणी पानी जम करके बर्फ बन जाता है, और हिम हो गया बिलाई, और फिर वही बर्फ पिघल करके पुनः पानी बन जाता है, अर्थात जो पहले था फिर वही जाता, जो कुछ था सोई भया, जो पहले था अर्थात जो पानी था फिर वही पानी बन जाता है, अब कुछ कहा न जाए। इसलिए इसके विषय में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि जीवात्मा की उत्पत्ति परमात्मा से होती है। पाणी ही ते हिम भया, जीवात्मा की उत्पत्ति परमात्मा से होती है, हिम हो गया बिलय, और फिर जीवात्मा फिर से जा करके उसी परमात्मा में मिल जाती है। जो कुछ था सो गया, जो पहले था फिर वही हो गया, अर्थात जीवात्मा फिर जाके परमात्मा में मिल गई, अब कुछ कहा न जाए। इसलिए इस शाश्वत सत्य के विषय में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अर्थात जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक हैं, जीवात्मा की उत्पत्ति परमात्मा से हुई है, जीवात्मा परमात्मा का ही एक अंश है। तो अलंकार अन्योक्ति, उदाहरण देकर के जहाँ बातों को स्पष्ट किया जाए वह अन्योक्ति अलंकार होता है। तो इतना आपको समझ में आ गया बेटा, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा रहे हैं, नई चीज़ है क्योंकि आप सामने नहीं हैं, हम आपके कठिनाइयों के बारे में जान नहीं पा रहे हैं, और आप लोग भी पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक वीडियो गया जो हमने पढ़ाया, आपको क्या समझ में आया क्या नहीं आया किसी ने बताने की कोशिश भी नहीं की, जबकि मैंने कहा था कि मेरा टेलीग्राम चैनल चल रहा है, उस पर सारे बच्चे ज्वाइन कर लीजिए,
और वहाँ पर आप मेरा वीडियो देखिए, जो ना समझ में आए आप वहाँ पर भी मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पर भी जो हम आपको लिंक भेजते हैं उस पर भी आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन अभी तक आप लोग लगता है पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा पाए हैं। बेटा अब शिथिलता को त्याग दीजिए और थोड़ा सा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो आप सभी लोग पहले तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, सभी लोग ढेर सारा लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे, धन्यवाद।